1996 में रिलीज हुई लेजेंडरी एक्टर कमल हसन की फिल्म इंडियन का सेकेंड पार्ट आने वाला है, इंडियन 2, जिसमें कमल हसन लेकर आने वाले हैं कुछ सरप्राइज अपने रोल्स को लेकर, जो वो अपने करियर में बहुत टाइम बाद करने जा रहे हैं। और इसमें हमें क्या नया देखने को मिल सकता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो भाई इंडियन 2 आ रही है 12 जुलाई को, और ये फिल्म करप्शन पर बेस्ड है, जिसमें करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का जब थ्रेट मिलने लगता है, तब आता है सेनापति, जो एक फ्रीडम फाइटर है, जो हमें इंडियन में देखने को मिला था। अब जो सेनापति था, उसे करप्शन से कितनी नफरत थी, भ्रष्टाचारियों का नामो निशान मिटाने में उसने कोई कमी नहीं रखी थी, और उसने तो अपने बेटे चंद्रू, जिसका कैरेक्टर भी कमल हसन ने ही निभाया था, उससे भी नहीं बख्शा। मतलब एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया क्योंकि चंद्रू एक करप्टेड गैंगस्टर था, और सेनापति इतनी रूढ़ीवादी और उनकी सोच इतनी अलग थी कि उनकी बेटी ने सुसाइड भी किया। तो इन सब में हमें पता चल रहा है कि भाई सेनापति ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, और वही सेनापति अब आ रहा है, मतलब अब उसका 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा। पर सेनापति अगर ऐसा होगा तो सेनापति का पिता कैसा होगा, ये जरा सोचिए। वो तो इससे भी खतरनाक होगा, और उसे भी हमें इस फिल्म में देखने का मौका मिलेगा। मतलब इंडियन जिस तरह से एक बाप और बेटे की कहानी दिखाती है, उसी तरह इंडियन 2 में भी बाप और बेटे की कहानी दिखाई जाएगी, पर अब सेनापति और उसके पिता की कहानी इसमें दिखाई जाएगी। पर सेनापति के फादर को पूरी हिस्ट्री में हमें इंडियन 3 के लिए देखने को मिलेगी, जो प्रोबेबली इंडियन का प्रीक्वल हो सकता है। पर इंडियन 2 में हमें उनकी स्टोरी जानने को मिलेगी, जो एक फ्लैशबैक स्टोरी हो सकती है, या फिर एक स्पिरिट के तौर पर हम उन्हें फिल्म में देख सकते हैं सेनापति के साथ। जैसे कि आपने फिल्म टार्जन द वंडर कार में देखा होगा कि फिल्म में अजय देवगन की मौत होने के बाद उनका जो बेटा होता है, वो जब जब मुसीबत में होता है, तब तब अजय की स्पिरिट आती है और अपने बेटे का साथ दे देती है। इतना ही नहीं, उसके रोमांस में भी उसका साथ दे देती है, इफ यू नो यू नो। तो कुछ ऐसा ही हमें इंडियन 2 में देखने को मिल सकता है, और शायद हमें सेनापति के बेटे यानी चंद्रू को लेकर भी कुछ पास्ट सीन्स दिखाए जा सकते हैं, फ्लैशबैक सीन्स। पर यहाँ हम शायद वर्ड पर थोड़ा जोर देंगे। वैसे इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए सिंगापुर में प्रेस मीट लेकर फैंस के साथ कमल जी कुछ सरप्राइजेस का हिंट भी दे सकते हैं, पर ऐसा पहली बार नहीं है जहाँ कमल हसन ट्रिपल रोल्स निभा रहे हैं, बल्कि उन्होंने 1998 में अपनी फिल्म अपूर्वा सोगदरगल में भी ट्रिपल रोल निभाया था, जहां उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर और उसके जुड़वा बच्चों का कैरेक्टर निभाया था। वैसे और भी क्या नया देखने को मिल सकता है इस फिल्म में। तो जब सेनापति इस करप्शन को चबा कर खाने के लिए लौटेगा और सभी भ्रष्टाचारियों की बैंड बजाएगा, तो ये सब करते वक्त एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का कैरेक्टर उन्हें काफी मदद करने वाला है, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई देगी। पर इतना ही नहीं, बल्कि कमल हसन और काजल हमें वर्मा कलाई नाम के तमिल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म में नजर आने वाले हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक फिल्म के ट्रेलर के एंड में भी दिखाई जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि कमल हसन हमें 12 डिफरेंट लुक्स में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें से 9 लुक्स हमें इंडियन 2 में दिखाए जाएंगे और 3 लुक्स इंडियन अगली फिल्म में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दिखाया जाएगा। और इससे समझ आ रहा है कि कमल हसन कितने वेरिएशंस दिखाने वाले हैं अपने कैरेक्टर को लेकर इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो ये सब कुछ सुनकर इस फिल्म का हमारा एंटिसिपेशन और भी बढ़ चुका है। आपके क्या कहने हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828500888।